गदर और पठान दोनों की दोनों ब्लॉकबस्टर और कंटिन्यू अभी तक चल रही है जी। तो किस तरह का फीलिंग है, कहीं ना कहीं जवाब कहीं ना कहीं दोनों को दोनों कंपेयर किया जा रहा था और दोनों की दोनों पे तो कैसा लगता है आपको? कंपेयर तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट की बात है और एंटरटेनमेंट हमेशा जीतना चाहिए और मुझे लग रहा है कि ये एंटरटेनमेंट जीता है। पठान हो, गदर हो, जवान हो या बाकी फिल्में भी जो चल रही हैं, जो और भी फिल्में हैं, सब सबको पसंद किया जा रहा है। ये हमारे क्या कहते हैं, हमारे भारतीय सिनेमा की जीत है जो हो रही है, ये इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का। और कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही है आपको लेकर के कि विलन की कमी थी बॉलीवुड में आपके आने के बाद में, अभी कभी कहीं कहीं कम सी होगी, इस पे क्या लगा? ये ईश्वर की कृपा है सर, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं और मुझे इस लायक समझा है इन्होंने सबने, तो मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सबका भी, ईश्वर का भी। इसके अलावा पाइपलाइन में क्या क्या आने वाली है, जो लोगों को सरप्राइज करने वाली है? सरप्राइज दोनों को, दोनों सरप्राइज, देखिए आपने आपने खुद कहा है कि सरप्राइज होंगे, तो सरप्राइज तब होंगे जब मैं आपको सरप्राइज दूंगा, वो जल्दी दूंगा आपको सरप्राइज। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा कि जो इन्होंने एक एल्बम के जरिए, एक एंटरटेनमेंट के जरिए जो यहाँ छुआ है, वो सब तक जाए। थैंक यू सर।